जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। इसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं और इसमें सबसे पहले हमें इसमें डाटा में जो गिवन है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो हमारे पास 60 हैं। फिर उसके बाद 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यहां पे हम राइट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास आ जाएगी 25। फिर उसके बाद एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो इट मींस अगर हमने यहां पे नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं तो टोटल माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 35। ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने आ जाएंगे, 35। तो स्टूडेंट्स अब हमने टू पार्ट्स इसके फाइंड करने हैं। सबसे पहले रेशियो हमने कंप्यूट रेशियो, इट मींस हमने रेशियो फाइंड करनी है, किसके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है, बॉयज के और टोटल स्टूडेंट्स के। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है रेशियो को, तो रेशियो हमने फाइंड करनी है किसके दरमियान, बॉयज रेशियो टोटल स्टूडेंट्स, तो ये हमने दोनों के दरमियान में जो है वो रेशियो फाइंड करनी है। बॉयज हमारे पास आ जाएंगे 35, रेशो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पे आ जाएंगे 60। जब कैलकुलेटर पे हम रेशो मींस डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर इसको सिंप्लीफाई करके हमें बताएगा 7:12। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें सेकंड पार्ट को हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में हमने रेशो फाइंड करनी है किसके दरमियान में, बॉयज के और गर्ल्स के। तो स्टूडेंट्स अब हम बॉयज और गर्ल्स के दरमियान में जब रेशो फाइंड करेंगे तो हम इसको यहां पे राइट करेंगे बॉयज रेशो, नेक्स्ट क्या आया है गर्ल्स, तो देखेंगे नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 35 है, तो यहां पे 35 रेशो, गर्ल्स हमारे पास 25। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे दोनों सेम टेबल से कट होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7:5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में हमें ये पूरी वैल्यू गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, आपने रेशियो फाइंड करनी है किसके दरमियान में, एक्स रेशो वाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी सॉल्यूशन में हमने ये सारी वैल्यू राइट कर ली और ये हमें पता है कि जब क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट आए तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 4x से, फिर ये जो 3 है ये नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 5y से। तो जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 12x माइनस 3 5 15y, और ये हमारे पास 2x-7y आ गया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ये देखा स्मॉल ब्रैकेट है तो हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारा डिसीजन ये होगा कि हम x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर देंगे, y वाली वैल्यूज को दूसरी साइड पे कर देंगे। तो x वाली वैल्यूज में 12x ये प्लस 2x, यहां पे आ जाएगा -2x, और यहां से ऑलरेडी -7y था, -15y यहां पे आके हो जाएगा +15y। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 10x, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8y। तो स्टूडेंट्स आपने जो चीज फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है एक्स रेशो वाई। एक्स रेशो वाई का मतलब ये है कि जब आप इसको फ्रैक्शन में करें तो ये बनता है एक्स ओवर वाई, इट मींस आपको एक्स के नीचे वाई चाहिए। ये वाई यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब आपको x और y सेपरेट चाहिए, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको यहां से सिंपलीफाई करेंगे तो x ओवर y अब सेम टेबल से कटिंग पॉसिबल है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी राइट कर सकते हैं तो आपको कैलकुलेटर आंसर देगा 4/5। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा तो आपने इसको रेशियो में राइट करना है। तो जब आप इस आंसर को रेशियो में राइट करेंगे x रेशो y इज इक्वल टू 4:5, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है।
और इसमें हमें एक स्टेटमेंट सबसे पहले हम बनाएंगे, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे हमें वैल्यू गिवन है 3x plus 1, सेंटर में रेशियो 6 plus 4x। अब इन्होंने ये लिखा है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल, इट मींस कि आपने दोनों वैल्यूज को क्या रखना है आपस में इक्वल रखना है। तो यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनके दरमियान में इक्वालिटी का साइन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2:5। तो स्टूडेंट्स आपको पता है रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। अब हम इसको रेशियो को डिवाइड में जब चेंज करेंगे 6 प्लस 4x, यहां से भी रेशियो को डिवाइड में चेंज करेंगे। अब दोनों फ्रैक्शंस में वैल्यूज हैं, सेंटर में इक्वालिटी है, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मींस ये जो 5 है ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई होगी। 5 के साथ आ जाएगा 3x plus 1 is equal to 2 के साथ ये वैल्यू आ जाएगी 6 plus 4x। तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई होगा 15x plus ये 5 नेक्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, यहां से भी 2 मल्टीप्लाई होगा 12 plus 2 4s are 8x। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे हमने x वाली वैल्यूज एक साइड पे करेंगे, 15x minus 8x is equal to 12, यहां पे आके minus 5, 15 में से 8x को करेंगे तो हमारे पास 7x, यहां पे भी 7 रिमेनिंग बच गया। अब हमने फाइंड भी क्या करना है, वैल्यू ऑफ x को करना है। 7 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड होगा और जब सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल होती हैं, डिवाइड होती हैं, तो आंसर हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है 1। तो x का आंसर जो है इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट होगा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5